शादियां बनाई है तुम्हारे लिए, समोसे बनाए गरम गरम, पकौड़े बनाए, रमजान का महीना है, आ जाओ शहरी के वक्त, आ जाओ तो शहरी खिलाएंगे, अफ्तारी के वक्त आओगे तो अफ्तारी खिलाएंगे, आ तो जाओ, आ तो जाओ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूं रात के 2 बजे से, सहरी का भी टाइम नहीं हुआ और अफ्तारी को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हवा बीबी आज सोई नहीं, जो ये थोड़ा सा सो जाती थी, और ना मैं थोड़ा सा कुछ DIY कर रही थी, तो मैं स्प्रे पेंट्स के साथ, तो एक्चुअली मैं मिट्टी का एक कटोरा था इतना बड़ा सारा, और उसके ऊपर वाइट ना स्प्रे पेंट से कर रही थी कि मुझे कुछ बनाना था, अच्छा लग रहा था कि मैं उस प्याले को ऐसे कर लूं। और क्या हुआ कि वो मैं उसको रूम में बंद करके कर रही थी ताकि हवा और हानि ना आए, लेकिन उनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी अपनी आइज़ में, हालांकि मैंने कपड़ा रख के किया था और नाक में इतने बुरे तरीके से चढ़ गया कि अब मुझे ऐसे वॉमिटिंग की तरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत और अजीब से आना, मुँह भी सारा कड़वा हो गया है। एनीवे, तो एक मिनट, और ऑर्डर ना तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। हवा इधर आ जाओ। तो मतलब कि अब मेरी बारी है अपने कपड़े सीने देने की। तो मैंने ये एक शर्ट पीस बनवाया था, एम्बॉस प्रिंटिंग जिसे कहते हैं ना, ये वाली करवाई थी इसके ऊपर, तो ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, और ये मैं सीने देने जा रही थी, और लेसेस वगैरह मैंने इस तरह निकाली हुई थी। ये लेसेस वो हैं जो मैं ऑनलाइन अक्सर मंगवाती रहती हूँ, तो मेरे पास पड़ी हुई होती हैं, तो मुझे जो अच्छी लगती है तो वो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ये ब्लैक में है, लेकिन अभी ये मेरे काम की नहीं है क्योंकि अभी कोई मेरा ब्लैक जोड़ा नहीं है, तो मैं इसके लिए ये सोच रही थी या ये, तो मैंने डिसाइड किया कि ये सही रहेगी। हवा, ऊँट ऊँट करूँ मैं, उठाऊँ यानी कि आपको, और इसको ये शूज़ पहना दूँ, इसको शूज़ का बहुत शौक है, इसका दूसरा भी लेके आओ ना, और कुछ और भी ऐसे छोटा छोटा सामान है। हवा को ना जूते बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो ख़ास तौर पे उसके वो रेड शूज़ जो उसने सबसे पहले चलना सीखा था, तो उसको मैं पहनाती थी, उसको छोटे हो गए, तो आंटी जो है मेरी खाला हैं जो UAE में होती हैं, उन्होंने एक और इसके लिए सेम ऐसा ही पेयर भेजा, लेकिन वो भी इसको छोटा हो गया है, तो इसको नहीं आते, और ये अक्सर वो साइड पर पड़े होते हैं रूम में, तो वो उठा के ले आती है कि मुझे पहना दो। और ये बस फ्री हैप्पी हैं, मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर कम फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी मतलब उनके साथ बातचीत है, तो वो कहती हैं हवा को हुंडी, और ये हुंडी ही है वाकई, छोटी हुंडी है और गोलगप्पा भी है वाकई। तो हवा इधर आ जाओ, ये देखें अभी तक इस जूते को इसने पकड़ा हुआ है कि मुझे पहनाओ, अब नहीं आता इसके पाँव में तो मैं क्या करूँ। गाइस मुझे भी देखे, इधर आ जाओ सामने आओ, उतर के आओ, गाइस नीचे आओ, इधर आओ सामने, मैं पहना हूँ, अच्छा अच्छा मैं पहनाती हूँ, ओके एक मिनट बिना बेटा, एक मिनट गिरना जाना, आओ पहना हूँ। बाहर आए हुए थे मैं हवा और हानि को आज बहुत टाइम के बाद बाहर लेके आई हूँ, क्योंकि ये दोनों जिद कर रही थी, मतलब हानि जिद कर रही थी, तो जाहिर है मैं इसको भी लेके आई हूँ साथ, और ये हानि खड़ी हुई है, और हम लेने आए हैं बेसिकली हवा के पैम्पर्स, और हमने जाने हैं टेलर्स के पास छोटे मोटे काम जो के होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये तो मेरा ऑफिस समझ लें। और साथ में आज इनको भी लाई हुई हूँ, और ये मुझे बहुत तंग कर रही है दोनों, हानि तो चलो फिर भी इतना नहीं तंग कर रही, हवा बहुत तंग कर रही है, और यहाँ मैंने इसको ये बिठाया हुआ है, और ऊपर से मुझे रोज़ा भी लगना शुरू हो गया, तो ये बस पैम्पर ले लूँ मैं इसके, तो फिर चलते हैं। ओके जी, आप लोगों को सबको 8th 9th रोज़े की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, 9th रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गया, और अफ्तारी हो गई है, एक्चुअली अजान हो गई थी, और मैं सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि मैं घर आ गई थी, मैं दोनों बच्चों को आज साथ ले गई, और उसके बाद इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि मैं डेड डॉगी की तरह आप लोग उसकी उर्दू तर्जुमा खुद कर लेना पड़ी हुई थी, तो असर पड़ के मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, ऐसे बस मैं गिरी पड़ी थी, फिर अजान हो गई, फिर मेरी बहन ने बेचारी ने मुझे ला के नेक्टर दे दिया जूस, और वह मैंने पी लिया, उसके बाद वो मुझे खजूरें पकड़ा गई, अब मैं ये खजूरें खाने लगी हूँ, खजीस यानी कि खजूर,
और बस दैट्स इट। आज कोरमा बना मेरी बहन ने, दूसरे नंबर वाली बड़ी बहन मुझे अफ्तारी देके गई थी, छोटे वाली ने कोरमा बनाया। आज अबू हमारी तरफ है तो इसलिए हम लोग अलग अलग अफ्तारी कर रहे हैं। हानी को मैंने नहलाया था घर आके, और कल हानी का फ़ोटो शूट करना है भाई। हानी के जो लास्ट ईयर कपड़े बनवाए थे तो वो मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसने कहा कि प्रिया हानी को पहना के मुझे तस्वीरें तो भेज दो, मैं अपने पेज पे लगाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको बना के भेज देती हूँ। इधर सामने सामने आना। हाँ करती नहीं इसलिए, क्या मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आज टाइम मिल गया है तो बस आज मैं कर रही हूँ। जाओ भाग जाओ नस जाओ। खाना खा लिया है मैंने और बस मैं लेटी हुई हूँ, हवा को झूला दे रही हूँ स्टिल, और बस वेट कर रही हूँ अम्मी आ जाए तो ज़रा अम्मी के साथ चाय वगैरह पीऊँ। और ये देखें, ये कल मैं मनीषो पे जब मैं गई थी ना तो ये मनीषो पास ही है बच्चा पार्टी के, तो वहाँ से ही मैं अपने लिए लाई थी। ये पेंटिंग मार्कर्स हैं, मैं जर्नलिंग करती हूँ ना तो मुझे कलर्स चाहिए होते हैं, और मैं ख़ुद भी अंदर से एक बच्चा हूँ मेरी अम्मी के अकॉर्डिंग, तो मैंने अपने लिए लिए थे। और ये अभी जब मैं बाहर गई हूँ तो ये दोनों ने ये वाली बिल्लियाँ ली हैं, हनी और हवा ने एक एक, मतलब दोनों ने भी। ये मेरा जायनमाज है, ये देखें ये हवा की बिल्ली है। हमने सोचा है कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन बाद व्लॉग अपलोड किया करेंगे, मतलब कि 7वें 8वें रोजे का व्लॉग डाला था तो अब 9वें और 10वें का इकट्ठा डालेंगे। वो मेरे पीछे टूटे हुए जूते हैं और वो हानी नहीं फेंकने देती मासी को, क्योंकि वो हानी इनके ख्याल में जुड़ जाएंगे, हानी जोड़ लेगी। हानी उछल क्यों रही हो ना, उन्हें चक्कर आएंगे जो देखते हैं। और ये देखें ये हानी का फेवरेट हेयर स्टाइल है और ये हानी को बहुत पसंद है। आज हानी ने बात लिया है क्योंकि भाई आपको पता है ना हम तो रात के राही हैं, हम तो सुबह को उठते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहला दिया था। तो अभी से बाल ब्रश किए हुए हैं इसने और बहुत नाइसली अभी मैंने इसकी एक तस्वीर भी बनाई है जो मैं थंबनेल पे लगा दूंगी। और ये इसका नया आउटफिट है, इसका पीजे सेट है जो बेसिकली मैंने लास्ट ईयर आउटफिटर्स की सीज़न एंड सेल से लिया था, लेकिन उस टाइम इसको काफ़ी बड़ा था, पूरा था नहीं, मुँह में उंगली नहीं लो। और हानी को, हानी बहुत खूबसूरत लग रही है ना आज, हानी बहुत फीलिंग प्रीटी है ना। ये इस सहरी का टाइम है अफ्तारी करनी। उसको ओके आप आओ तो सही नीचे। हाँ, बस इसको आप बताने के लिए कह रहे हो कि वैसे में तो आप दो गए ही गए, पर आटे से खिलाओगे छोटा मैं नहीं ने। और हानी ने ना अफ्तारी कर सहरी कर ली थी, मैं भी हानी की तरह हो गई हूँ। तो हानी कह रही थी कि आप गाइस को दिखाने के लिए कह रहे हो, ये आप सब लोगों को गाइस कहती है कि मैं ना रोटी नहीं खिलाती, नीचे आ जाओ, एक्चुअली आप मुझे रोटी खिलाओगे, मैं नहीं आती। तो हानी खाना नहीं खाती, वो कह रही थी खाली मुझे उसके अंदर से ना उठा के वो गोश्त देते ना और मैं वो खा लूँगी। मैं नहीं आ रही नीचे, तो मैंने बहरहाल उसको रोटी तो खिलाई थी, वही गाइस को दिखावा करने के लिए मैंने उसको कहा था कि नीचे आ जाओ। और बाय द वे ये बाउल मैंने DIY किया है, सावधान से मट्टी के बाउल को मैंने पेंट किया खुद। रमज़ान शरीफ का दूसरा जुमा है और आज मैं पहन रही हूँ ये कपड़े, बस मैं बाथ लेने जा रही हूँ, हवा सोई हुई है, हानी पढ़ने के लिए गई हुई है। और ये कपड़े मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं लेके आई थी तब भी मैंने दिखाया था। तो इसकी टेलर ने मेरे से बड़ी सिलाई ली थी इस एक कमीज़ की। बहरहाल इसकी शलवार का कपड़ा मैं लिया थी खादी से, लिया था 2 पीस था, तो अब बस मैं आज यही पहनूंगी। हानी को मैंने कल ही चेंज करवा दिया था, नहला भी दिया था, सिर्फ हवा रह गई है तो हवा सोई हुई है, हवा की मैं टी शर्ट ही निकाल के रखे हुए हैं, हवा के नए कपड़े उसको पहना दूंगी, हवा तो वैसे ही चेंज करती रहती है ना। और ये मेरा दुपट्टा इसलिए साथ रखा हुआ है कि उसको एहसास रहे कि मेरी मम्मा पास हैं, तो
इसलिए यहाँ पे है। और ये इसका दुपट्टा है इस सूट का। तो बस मैं जल्दी से बात लेती हूँ, फिर मैं जोहर पढ़ती हूँ और फिर कुरान पाक पढ़ती हूँ। ये आज हमारी जो है अफ्तारी है, और इसमें ये फ्रेंच फ्राइज तो नहीं है, फिंगर चिप्स को की टाइप के पकोड़े ही कह लें इसको, और पकोड़े हैं जो कि एक दूसरी टाइप के होते हैं। और इसके अलावा शरबत अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता सामान। और इसके अलावा आज हमने बनाया है भिंडी का सालन, रोटी, बस यही है सब कुछ। तो आज मासी का जो बेटे को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, आज वो छूट गया है, और मासी बहुत खुश थी माशाल्लाह। और फिर मासी आज अपने घर चली गई हैं, आज वो आई थी सुबह को, तो फिर वो अब चली गई हैं। और ये शरबत है और मैं पी लेती हूँ। और मैं अपनी बहन को इस टाइम बहुत भैड़ी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता गिलास ला रही थी जैसे उसके जान ही ना हो पैरों में। तो बस आज मेरे पास काफ़ी काम था, आज मैंने मेन चैनल पे भी वीडियो डाली है क्योंकि मेरी कोलेब्रेशन थी, मैंने डालनी थी वीडियो, और मैं वही एडिट कर रही थी। अब मैंने ईशा भी पढ़ ली थी, बस इसके बाद अब मैं ये खाना खाने लगी हूँ, चाय अभी तक मैंने नहीं पी। मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।